एवरीवन, मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल शालू लाइफ ब्लॉग में। कहीं कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं चलते चलते आज बात कर रही हूँ क्योंकि मैं चल रही हूँ खेत में, और करने क्या चल रही हूँ ये आप सभी को आगे बताती हूँ मैं। तो अभी मैं आई हूँ और ये मेरे हाथ में प्लेट है चटनी का, ये है लहसुन मिर्ची और नमक, उसी का चटनी मैंने बनाया हुआ है। और ये किस लिए काम आता है ये तो आप सबको पता ही है, नहीं पता है तो बाद में पता चल जाएगा। हालांकि धूप भी बहुत है, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। तो मैं आई हूँ अपने खेत में और करने क्या, तो करने आई हूँ मैं चने का साग खाने, यानी कि चने का झाड़। और धूप इतना तेज़ है कि क्या बताऊँ आप सभी को, बट फिर भी मैं खाऊंगी इसके साथ, और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई नो कि गांव में जो होंगे उनको पता होगा कि मतलब कितना स्वाद भरा, अभी से पानी आ रहा है, स्वाद भरा ये चीज़ मैं बता रही हूँ, चने का साग, वो भी चटनी के साथ। बहुत लोग हरी मिर्ची और नमक के साथ ही खा लेते हैं सूखा सूखा, बट हमारे यहाँ चटनी के बिना नहीं अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए मैं चटनी के साथ खाऊँगी इसे। तो अभी मैं आई हूँ अपने चने के खेत में, आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके पहले आप सभी देख लीजिए कि मैंने चटनी किस किस चीज़ की बनाई हुई है और कैसे। तो मैंने एक प्लेट में हरी मिर्ची, लहसुन और नमक ले लिया है, उसको बारीक अच्छे से कूट लिया है, उसकी मतलब चटनी बना दी हुई है। और मिर्ची ज़्यादा लिया है, थोड़ा तीखा लगेगा, जब तक नहीं चटका नहीं लगेगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। चने का पेड़ और इसकी ये जो चीज़ होती है ये, इसी को खाया जाता है इतना, तो चलिए आप सभी को बाद में थोड़ा संभाल संभाल के करना पड़ रहा है क्योंकि नहीं तो उखड़ जाएगा जड़ से। बहुत ही स्वाद भरा लगता है। वैसे जो जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा इसके स्वाद के बारे, उन्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी एकदम। मायके जाने से पहले सोचा खा लूँ, सॉरी ससुराल जाने से पहले, नहीं तो ऐसा नहीं है वहाँ भी मिल जाता है, चाची मम्मी लेके आती हैं वहाँ भी, बट जो चीज़ मतलब पहले ना, पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। पहले क्या होता था, घर के 4-5 लोग, हम जितनी भी बहनें रहते थे सब साथ में जाते थे, और एक के आगे एक जब हो जाते थे ना तो कहते थे कि हमारे आगे मत बैठो, हमारे आगे मत बैठो, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन था ना, ज़्यादा अच्छा लगता था, टेस्ट आता था और भी ज़्यादा। अभी तो मैं अकेली हूँ, हालाँकि फिर भी खा ले रही हूँ। इसके आगे बहुत सारी डिश फीकी है, बहुत टेस्टी है ये। वैसे किस किस ने खाया है ये, या किस किस का ये वीडियो देख के खाने का मन कर रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मुझे तो लग रहा है सभी को, जो मतलब अदर स्टेट में भी होंगे जिनको ये पता है, उनका भी मन करता होगा कि मिल जाए तो हम भी खा लें, क्यों, सच बोल रही हूँ ना। तो चलिए अभी मैं शांति से खा लूँ, क्योंकि एक हाथ से रिकॉर्ड करना और दूसरे हाथ से खाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो बाद में मिलती हूँ आप सभी को। सो फ्रेंड्स, जस्ट अभी आ रही हूँ चने का साग खा के, और बहुत तीखा लग रहा है। अब चल रही हूँ पानी पीने, और मैंने तब तक खाया चना का साग, तब तक खाया जब तक प्लेट की चटनी पूरी ख़त्म नहीं हो गई, तब तक मैंने खाया है। सो फ्रेंड्स, शाम को होने के बाद छोटी दिवाली जिस दिन थी उस दिन हमारे यहाँ राम जी की झांकी निकाली जाती है मायके में,
राम जी, मतलब माना जाता है कि राम जी वापस आए ना दिवाली के दिन 14 वर्ष का वनवास काट के, तो बस वही सीक्वेंस यहाँ पर चलता है। हमारे यहाँ झांकी निकलती है राम जी की, तो आज मेरे घर सच में राम जी आए हैं। और हालांकि ये वीडियो आप सभी को थोड़ा देखने को लेट, मिलेगा, बट हमारे यहाँ राम जी आए थे, तो जिस दिन राम जी आए थे उस दिन की झांकी है। मैंने वॉइस ओवर नहीं किया बिकॉज इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बज रहा था ना कि मैं आप सभी को क्या बताऊँ। तो मैं पापा के साथ निकल दी देखने के लिए, तो यहाँ पर पहले मतलब साउंड आके खड़ा हो गया, क्योंकि क्या होता है ना कि राम जी की पालकी सबके घर जाती है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबके यहाँ देना पड़ता है, क्योंकि आरती वगैरह सब उतारते हैं, राम जी आए हैं राम जी आए हैं, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। मैंने अपना पूरा बचपन इसमें मतलब एक बार फिर से जी लिया। और ये बचपन में जब हनुमान जी और जामवंत जो बनते थे ना आते थे घर, तो हम डर जाते थे, और वो हमको डराते भी थे, क्योंकि हम तब छोटे थे बच्चे थे, तो हमको वो डराते भी थे बहुत अच्छे से। बट अभी नहीं डर लगता, अभी पता लग गया कि नहीं, मुखौटे के पीछे इंसान ही है, तो अब नहीं डर लगता है। बट पहले बहुत डर लगता था, तो पापा के पीछे पीछे हम लोग जाते थे राम जी का दर्शन करने। तो सबके यहाँ थोड़े थोड़े मतलब 5-5 मिनट देते हैं। तो हमारे यहाँ विशेष तौर पर कोई त्यौहार इस बार नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है दो मतलब एक ही साल में ही 2-3 महीने के अंतराल में ही दो लोगों का देहावसान हो चुका था, तो इसलिए साल भर जो है हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता है कोई भी फेस्टिवल। तो आप सभी कहोगे कि ये क्या है, तो ये जो हमारे यहाँ देवी देवता है ना, जैसे हमारे यहाँ के जो कुछ बाबा वगैरह हैं और शंकर जी का मंदिर है, पीपल जी का पेड़ है, तो वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, तो कुछ जो है वहाँ पर हमारे यहाँ झाड़ू आकर रखी गई है, बट आप सभी देख सकते हैं ना सिंदूर लगाया गया ना कुछ किया गया है, तो हमारे यहाँ नहीं किया जाता है ये सब। और माई की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस जितना पॉसिबल इस टाइम था उतना ही हुआ, तो बहुत विशेष तो नहीं मनाई गई, बट हाँ फिर भी जो भी मनाई गई। तो यहाँ पर मैं आई हूँ शंकर जी के मंदिर, हमारे गांव का जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ पर आई हूँ दीपक रखने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, त्यौहार हो चाहे जो हो, भगवान को तो मतलब दुख में भी याद करना पड़ता है, सुख में भी, और ज़रूरी भी है ना, तो इसीलिए मैं मंदिर में गई, वहाँ पर दीपक रखा, इसके बाद पीपल के पास, और फिर हमारे यहाँ माता जी जो हैं और जो बाबा हैं, हमारे यहाँ डीह बाबा बोले जाते हैं वो, तो उन सब का दिया जो है रखना पड़ता है, बेल के पेड़ के पास में रखा जाता है, मतलब जितने भी देवी देवता मानते हो आप उनके पास आप दीपक रख सकते हो। बाकी आप घर पे सजावट नहीं कर सकते हो, कुछ बहुत ज़्यादा विशेष नहीं बना सकते हो, विशेष तैयारी नहीं कर सकते हो, तो कुछ नहीं हुआ हमारे यहाँ। आप सभी क्या, आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से मनाई गई हो दीपावली, और अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करिएगा। और देखिए हमारे गांव में तो बहुत लोगों ने मनाया, बट जो हमारा मतलब पूरा खानदान है वो नहीं मनाया। तो ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर।